आर्म्ड फोर्सेस की हम बात करें मेडिकल की, क्या फैटी लीवर में भी अनफिट किया जा सकता है? फैटी लीवर का क्या है ट्रीटमेंट और क्यों होता है? एक उम्र के बाद तो ये प्रॉब्लम कॉमन है, लेकिन यंग एज में भी क्या ये हो सकता है? अभी देखिए, सीआरपीएफ के हमारे मेडिकल चल रहे हैं, उससे पहले हम चाहे सीएपीएफ या आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस, इनकी बात करते हैं, इवन प्राइवेट जॉब में भी आप जाते हैं तो उसमें भी मेडिकल होता है। सुटेबिलिटी तय की जाती है आपकी कि ये कैंडिडेट हमारे पास आगे आने वाले 30, 40, 35 जो भी साल काम करेंगे, तो अभी ये कितने फिट हैं कितने नहीं हैं। इन सर्विस कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो तो देखिए, गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट है, जैसा भी है, उसके अकॉर्डिंग उनको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। तो फैटी लीवर डिजीज क्या है? हेपेटोमेगाली, दैट इज ग्रेड टू फैटी लीवर। अब फैटी लीवर क्या हाथ लगाने से लीवर का पता चल सकता है? हाथ लगाने से तो अक्सर नहीं चलता, लेकिन क्या है, देखिए जो पॉइंट है आपका बॉडी में, वो बहुत रेयर केस मैंने ही देखा है, पहला ही मैंने देखा है कि फैटी लीवर में एक कैंडिडेट को अनफिट किया गया। फैटी लीवर है तो अनफिट है, कोई इसमें डाउट नहीं है, लेकिन फैटी लीवर का पता कैसे चला, कैसे डायग्नोज हुआ? देखिए, ये सीआरपीएफ का अनफिटनेस सर्टिफिकेट है। अभी सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन मेडिकल चल रहे हैं। हाइपरटेंशन एक पॉइंट था, ब्लड प्रेशर का, दूसरा अम्बिलिकल हर्निया, और तीसरा था नॉकनी। He kept for 3 days to monitor his BP and it found within normal limits. Specialist opinion for HTN SFT is specialist का opinion जो है वो भी hypertension, STN hypertension के लिए वो भी attach किया हुआ है, यानी कि blood pressure में ये 3 दिन जो reading हुई उसमें, monitoring हुई उसमें ये fit हो गए। दूसरा point है, इंटरमलेरिया डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर एंड इट इज एक्सेप्टेबल। नॉकनी के लिए आईएमडी स्पेशलिस्ट ओपिनियन दे दिया कि 5 सेंटीमीटर है, उसमें भी फिट हो गए। तीसरा पॉइंट जो हार्निया का था, उसमें भी ये फिट हो गए कि नो एविडेंस ऑफ अम्बिलिकल हार्निया, हार्निया नहीं है, लेकिन जो हार्निया की जांच हुई उसमें फैटी लीवर आ गया। कि हार्निया की जांच कैसे होगी, अल्ट्रासाउंड किया गया तो यूएसजी एब्डोमिन टू रूल आउट एम्बिलिकल हर्निया डिटेक्टेड हेपेटोमेगाली दैट इज ग्रेड टू फैटी लीवर एंड इन्वेस्टिगेशन ऑल इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट ओपिनियन अटेस्ट। अब यहां पॉइंट ये उठता है कि मेरा तो पॉइंट ही नहीं बना था डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में, उसके अलावा किसी पॉइंट में कि मुझे अनफिट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। जो डायग्नोसिस हुआ उसमें वो पॉइंट डिटेक्ट हो गया। अब हर्निया नहीं था, इनको नॉर्मल स्वेलिंग था, उस स्वेलिंग से ये कैसे बच सकते थे? सपोर्टर वगैरह का यूज करके उससे बचा जा सकता था, अभी फिजिकल एक्टिविटी किया उसकी वजह से भी हो सकता है, लेकिन वो नॉर्मल स्वेलिंग जो डाउट लग रहा था मेडिकल अफसर को कि ये हर्निया हो सकता है, वो हर्निया नहीं निकला, वो सब नॉर्मल था, लेकिन उसकी जांच में एक दूसरी पॉइंट डिटेक्ट हो गई और वो दूसरी पॉइंट में ये बाहर हो गई। तो बहुत अफसोस ऐसी स्थिति में होता है, देखिए कि बिगुलर के कैंडिडेट हैं और इनके सेंटर पे, इनके स्टेट में बहुत कम कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, जो हुए उसमें भी बिगुल ट्रेड में बहुत सारे कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो गए, उसके बाद जो बचे उनमें भी जब मेडिकल में इस तरीके से अनफिट हो जाते हैं तो आपको पहले से अपनी तैयारी रखनी चाहिए। जो पॉइंट इनका था कि हर्निया का जो डाउट लग रहा था उसको बचाया जा सकता था या उसका समय रहते उसकी जाँच हो जाती, पता चल जाता कि फैटी लीवर है, तो कुछ खान पान में बदलाव करके, कुछ दवा लेके, कुछ एक्सरसाइज, हालांकि इतना यंग एज में होता नहीं है, वो 40 जो क्रॉस कर जाते हैं मेरी तरह उनको वो प्रॉब्लम होती है। तो आप भी देखिए दोस्तों, फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं, यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं, तो आपको कंप्लीट मेडिकल चेकअप आपको एक बार जरूर करवाना चाहिए। उसका फायदा ये होता है कि यदि इस तरह का कोई पॉइंट है तो आप समय रहते उसको बचा सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं, एक्सरसाइज करके उसको ठीक कर सकते हैं। जैसा भी है, फैटी लीवर यदि इनका डिटेक्ट हो जाता पहले, और वो होता कैसे, वही हार्निया की वजह से होता, तो वो हार्निया का ये बचाव कर सकते थे, वो नहीं था, या उसके साथ ये जांच करवाते अपनी, अल्ट्रासाउंड होता और उसमें फैटी लीवर डिजीज सामने आता तो उसका ट्रीटमेंट लिया जा सकता था 15-20 दिन में, ये आराम से महीना भर का समय मिल जाए तो उसमें भी कवर हो जाता।
लेकिन अब क्या कुछ हो सकता है, देखिए इस स्थिति में कुछ नहीं हो सकता। हालांकि हर कोई ये चाहता है कि मैं अनफिट होने के बाद में रिट पिटीशन दाखिल कर दूं, लेकिन यहां रिट पिटीशन का भी कोई आधार हमारे पास बनता नहीं है। जय हिंद।